Hello dear students, so this is your GK time. Okay, now today I'm going to start with the first lesson. It is all about greets. Greets. What is the meaning of greets? Do you know the meaning of greets? Okay, so greet means होता है आपका किसी से मिलना, उनको welcome करना. एक तरह से आप हेलो या गुड मॉर्निंग या कुछ भी बोलते हो तो वो आपका एक तरह से ग्रीट होता है, उसको हम ग्रीट कहते हैं. ओके, एवरीवन लाइक्स टू बी प्रेज्ड बाय समवन, बट वी हैव टू फॉलो सम बेसिक टू बी गुड, बेसिक रूल्स टू बी गुड. मीन्स सबको पसंद है कि कोई उनकी तारीफ़ करे. प्रेज करना मतलब किसी की तारीफ़ करना, लेकिन तारीफ कर रहा है तो क्यों करेगा जब आप कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करोगे. हियर आर सम टिप्स. अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई तारीफ करे, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करे, तो आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सो हियर इन द फर्स्ट लाइन यू कैन सी अ पिक्चर. देयर इज अ मैन एंड अ वुमन एंड अ चाइल्ड. ओके, when we meet our elders in the morning we should say good morning. so here you will see some basic tips. kuch tips dekhoge aap jiske through aap kya karte ho, good boy ya good girl kehlate ho. okay, to jab aap किसी से मिलते हो, कोई भी elder होते हैं, elder means होता है बड़े लोग. okay, जो आपसे बहुत बड़े होते हैं. okay, तो आप उनको मिलते हो तो आपको क्या बोलना चाहिए. अगर मॉर्निंग में मिलते हो तो व्हाट यू विल से, गुड मॉर्निंग. क्या बोलोगे आप, गुड मॉर्निंग. ओके, और अगर आप उनसे मिलते हैं कभी आफ्टरनून में तो व्हाट यू विल से, गुड आफ्टरनून. तो ये तो आपको पता है राइट. तो वेरी गुड इफ़ यू नो इट. और वैसे तो हमें जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सलाम करते हैं. सलाम करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट राइट. सबसे पहले आपको सलाम करना चाहिए जो भी एल्डर्स होते हैं. ओके, आप गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है. ओके, नेक्स्ट व्हेन समवन हेल्प्स अस वी शुड से थैंक यू. जब भी आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको क्या कहना चाहिए, थैंक यू. थैंक यू मीन्स होता है शुक्रिया. आपने मेरी हेल्प की तो उसके लिए आप शुक्रिया बोल रहे हो. ठीक है, जैसे आपने मेरी हेल्प की तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी. अगर आपने मुझे कुछ दिया, जैसे अगर मैंने आपसे बोला प्लीज़ पास मी अ पेंसिल और प्लीज़ पास मी अ बुक, प्लीज़ गिव मी अ चॉकलेट, तो अगर आपसे मैं मांग रही हूँ कोई भी चीज़ और आप मुझे वो चीज़ करके दे देते हो, या फिर मैं आपसे कहती हूँ कोई चीज़ कोई काम करने के लिए कि प्लीज़ ये वर्क कर दो मेरे लिए, तो अगर आप उसे कर देते हैं देन हम मैं क्या बोलूँगी उसके लिए, थैंक यू. क्योंकि आपने मेरी हेल्प की तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी. नेक्स्ट हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ बॉय एंड अ गर्ल. ओके, सो व्हेन वी मेक अ मिस्टेक वी शुड से सॉरी. तो जब भी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें बिना हेजिटेशन के सॉरी बोलना चाहिए. ओके, आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने स्कूल जा रहे हो. ओके, स्कूल के कैंपस में आ गए, फिर आपके सामने कोई छोटा सा बेबी है या चाइल्ड है, कोई भी है. ओके, तो मान लो नर्सरी का ही कोई है राइट. तो नर्सरी का है कोई चाइल्ड है, वो आगे आ रहा है और आपसे बाय मिस्टेक आपसे टकरा गया. ओके, वो आ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने देखा नहीं और उससे क्या हुआ, आप टकरा गए. तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले तो उसको देखना होगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी राइट, कहीं वो हर्ट तो नहीं ना हो गया. उसके बाद आप तुरंत उसे सॉरी बोलोगे. क्या बोलेंगे आप, सॉरी. जब आप ऐसा करोगे तो वो जो छोटा सा बेबी या फिर चाइल्ड जो भी है, ओके, उसे बहुत अच्छा फील होगा कि आपको आपकी गलती का एहसास है, आप रियलाइज़ किए कि हाँ आपसे गलती हुई है और आपने तुरंत सॉरी बोल दिया राइट. तो आप जब सॉरी बोलते हो तो भी आपके लिए सब लोग क्या सोचेंगे कि यू आर अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल.
चाहे कोई भी हो आप, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, आप कहीं पे भी अपने घर में भी हो, मम्मी हैं, पापा हैं, सिबलिंग्स हैं, बड़ी अप्पी हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो किसी के साथ भी कुछ भी, आपसे अगर कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होता है, तो यू शुड से सॉरी. नेक्स्ट, When we ask for something, we should say please. जब भी हमें किसी से कुछ काम होता है तो हम उसे करवाने से पहले क्या बोलते हैं? Please. Okay? जैसे for example, यहाँ पर आप एक picture में देख रहे हो, या you can say in this picture, एक there's a boy and a girl. तो maybe ये क्या चाहती हैं कि इन्हें इनका ये जो bag है वो उठा कर दे दे, right? तो वो क्या बोल रही है? प्लीज़ कैन यू हेल्प मी, या फिर प्लीज़ पास मी माई बैग. ओके, तो यहाँ पर प्लीज़ लगाते हैं आपको. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक रूम में हो अपने ब्रदर के साथ या सिस्टर के साथ, ओके, और आपको एक वन ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, राइट? तो जब आपको वन ग्लास ऑफ वाटर चाहिए तो उससे पहले आप क्या लगाओगे? प्लीज़ गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, या फिर प्लीज़ मुझे पानी एक ग्लास दे दीजिए, राइट? तो हियर देयर आर फोर बेसिक टिप्स विच इज़ गुड फॉर एवरी वन. ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए काम आते हैं, ये सब के लिए होते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, बिल्कुल ये सब लोग यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा कि आपके घर में भी आपके सिबलिंग्स यूज़ करते हैं प्लीज़, राइट? आपके सिबलिंग्स ये भी यूज़ करते होंगे, गुड मॉर्निंग या अस्सलामुअलैकुम या फिर थैंक यू या सॉरी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. Now write T for true and F for false statement. Here you can see there are some statement. Okay, यहाँ पे देख रहे हो आप कुछ statement है. तो आपको क्या करना है इसमें? अगर true है मतलब सही है तो T write करना है, और अगर false है तो आपको क्या write करना है? False. Okay, and this is your homework. Okay, this is your homework. Till then, thank you.